हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि जो हम एक्सरसाइज जो टिप्स बता रहे हैं उसको आप फॉलो कर रहे होंगे। अगर फिर भी कुछ आप हमसे पूछना चाहते हैं या कुछ शंका है, कुछ डाउट है, तो आप इस नंबर पर आप हमसे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। आज हम बात करेंगे बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम ऑस्टियोआर्थराइटिस या घुटने के दर्द के बारे में या घुटने के गठिये के बारे में। अगर आपको उठने बैठने में दिक्कत होती है, चलने फिरने में दिक्कत होती है, आपका घुटना सूजा सूजा रहता है, घुटना जाम जाम सा महसूस होता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम आपको सिर्फ 5 एक्सरसाइज बताएंगे जिसको अगर आप 2 से 3 हफ्तों तक लगातार करते हैं तो आप घुटने के दर्द से, घुटने के गठिये से और फ्यूचर में घुटना प्रत्यारोपण ना या नी रिप्लेसमेंट से बच सकते हैं। तो मैं डॉक्टर जिशान अली, फिजियोवैदिक क्लिनिक लखनऊ से। चलिए अब हम आपको एक्सरसाइज बताते हैं। एक्सरसाइज करने से पहले आप अपने घुटने की अच्छी तरह से सिकाई कर लीजिए। इसके लिए आप हीटिंग पैड से भी कर सकते हैं सिकाई, या आप गर्म पानी से अगर सिकाई करते हैं तो बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। इससे आपके दर्द कम होगा, घुटना जो जाम जाम सा लगता है उसमें कमी आएगी, जो सूजन होगी उसमें भी कमी आएगी। एक्सरसाइज करने से पहले हम कुछ वार्म अप कर लेते हैं, तो इसके लिए हम इस तरह से उंगलियों को पहले चला लीजिए। इस तरह से आप बैठे बैठे भी आप इस उंगलियों को अगर चलाते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन होगा, इससे भी जो घुटने में जाम जाम सा महसूस होता है या जो सूजन होती है वो भी कम हो जाती है। तो आप बैठे हैं या लेटे हैं तो इस तरह से ऐसे चलाया करिए। इस तरह से आप 1 मिनट पहले उंगलियों को चलाइए, फिर उसके बाद अपने पंजे को अपनी तरफ खींचिए। इस तरह से आपका घुटना मुड़ना नहीं चाहिए, इस तरह से बिल्कुल सीधा रहे, बेड के लेवल में रहे। अच्छा, एक बात और कि जिनको भी घुटने में आर्थराइटिस होती है, गठिया होता है, उनका घुटना थोड़ा सा उठा होता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके है, हम आपको बता दे रहे हैं, घुटना बिल्कुल बेड के लेवल में होना चाहिए। इस तरह से तो आप अपने पैर को अपनी तरफ खींचिए, इसको रोके रहिए इसे 5 सेकंड तक, 1 2 3 4 5, फिर नीचे इस तरह से 1 2 3 4 5, फिर अपनी तरफ आप खींचिए 1 2 3 4 5, इस तरह से आपको करना है। आपको जल्दी जल्दी इस तरह से नहीं करना है, आपको पूरा नीचे ले जाना है और फिर पूरा ऊपर खींचना है। इस एक्सरसाइज को आप 20 से 25 बार करिए, और अगर दिन में 2 बार आप करते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इस एक्सरसाइज को करने से जो पिंडलियाँ होती हैं उनमें खिंचाव होता है, और वो जब खिंचाव होगा तो वो रिलैक्स होंगी, और इससे घुटने पर भी बहुत अच्छा असर पड़ता है, इससे घुटना मजबूत होता है, घुटने में स्ट्रेंथ बढ़ती है। दूसरी एक्सरसाइज हम जो करेंगे उसको कहते हैं क्वाड्रिसेप या नी प्रेस एक्सरसाइज। इसके लिए आप कोई तकिया ले लीजिए या टॉवल का कोई रोल ले लीजिए, हमारे पास ये रोलर है तो हम रोलर से ही बता दे रहे हैं। उसको आप इस तरह से घुटने के नीचे ऐसे रख लीजिए, और आपका पैर इस तरह से नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सीधा रहे। इस तरह से आप अपने पैर को आप दबाइए, नीचे की तरफ आपको दबाना है, घुटने से इसको रोलर को दबाना है नीचे की तरफ। आप अपने घुटने को इस तरह से दबाइए और 5 सेकंड तक होल्ड रखिए, 1 2 3 4 5, फिर छोड़िए, फिर दबाइए 1 2 3 4 5। इस एक्सरसाइज को करने से जो जांग की मसल्स है, जो क्वाड्रिसेप्स मसल्स है, वो स्ट्रांग होंगी, क्योंकि इसके भी लूज होने से, इसके भी कमजोर होने से हड्डियां आपस में टकराने लगती हैं, जिसकी वजह से भी घुटने में दर्द होने के चांसेस हो जाते हैं, गठिया के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक बात और आपको और बतानी है कि आप एक पैर में एक्सरसाइज बिल्कुल भी मत करिएगा, आप दोनों पैर में बारी बारी से, इसमें भी एक्सरसाइज आपको करनी है और दूसरे पैर में भी आपको एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि होता यह है पहले एक पैर में आर्थराइटिस डेवलप होती है, फिर बाद में दूसरे पैर में भी होने लगती है। उसकी एक वजह यह होती है कि हम इस पैर में, जो हमारा पैर ठीक होता है, हम बॉडी का पूरा वेट एक पैर पर देने लगते हैं, और जिसकी वजह से दूसरे पैर में भी आर्थराइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको दोनों पैर की एक्सरसाइज प्रॉपर वे में करनी है। तो आप इस एक्सरसाइज को 10 से 15 बार करिए शुरू में, उसके बाद जब आपकी हैबिट बढ़ जाएगी, जब आप करते जाइएगा, आपका अभ्यास होने लगेगा, तब आप इस एक्सरसाइज को जितना चाहें कर सकते हैं, 50 बार 60 बार जितना आप एक्सरसाइज को करेंगे उतना ज़्यादा आपको आराम मिलेगा। अगर आपको घुटने के दर्द रहता है या आपको गठिये की प्रॉब्लम है तो तीसरी एक्सरसाइज हम करेंगे नी फ्लेक्शन एक्सटेंशन एक्सरसाइज। इसके लिए आप ऐसे बैठ के भी इसको कर सकते हैं, तो आप दोनों हाथों की उंगलियों को ऐसे लॉक करके और अपने पैर को इस तरह से ऊपर उठाइए और फिर पंजे को अपनी तरफ खींचिए इस तरह से,
1, 2, 3, 4, 5, फिर रिलैक्स, फिर नीचे। इस एक्सरसाइज को आप लेट के भी कर सकते हैं इस तरह से। तो अपने दोनों हाथों की उंगलियों को इस तरह से लॉक कर लीजिए और फिर अपने पैर को इस तरह से उठाइए और फिर पंजे को अपनी तरफ खींचिए इस तरह से और 5 सेकंड तक होल्ड रखिए, फिर इसको छोड़िए, फिर नीचे। आपका पैर यहाँ तक नहीं आना चाहिए, यहीं तक आपका पैर रहे। अगर आप पैर मोड़ेंगे तो घुटने में दर्द बढ़ने के चांसेस हो जाएंगे। अगर आपकी कमर में दर्द रहता है तो दूसरा वाला पैर इस तरह से मोड़ लीजिएगा, इससे कमर आपकी सपोर्ट में हो जाएगी, बेड के लेवल में हो जाएगी। फिर आप अपना पैर इस तरह से उठाइए और पंजे को अपनी तरफ खींचिए, 5 सेकंड तक होल्ड रखिए, फिर छोड़िए, फिर नीचे। इस एक्सरसाइज को करने से आपके घुटने की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी और जो मांसपेशियां होती हैं वो भी मजबूत होंगी। इस एक्सरसाइज को आप दिन में 2 बार करिए और 10 से 15 रिपीटेशन आप कर सकते हैं। चौथी एक्सरसाइज हम करेंगे SLR स्ट्रेट लेग रेजिंग एक्सरसाइज। इसके लिए आप अपने पैर को इस तरह से उठाइए 30 से 45 डिग्री पे और अपने पंजे को इस तरह से खींचिए और 5 सेकंड तक होल्ड रखिए, 1, 2, 3, 4, 5, फिर रिलैक्स, पैर नीचे। फिर आप अपने दूसरे पैर को इस तरह से करिए और पंजे को खींचिए, 1, 2, 3, 4, 5, रिलैक्स, पैर नीचे। इस एक्सरसाइज को करने से आपकी जो क्वाड्रिसेप्स मसल्स है, जांघ की मसल्स है और जो घुटने के आसपास की मांसपेशियां हैं वो स्ट्रांग होंगी, वो मजबूत होंगी। इस एक्सरसाइज को आप 20 से 25 बार करिए और दिन में अगर आप 2 बार करते हैं तो आपको बहुत अच्छे नतीजे देखने को मिलेंगे। लास्ट एक्सरसाइज हम करेंगे नी एबडक्शन एडक्शन एक्सरसाइज। इसके लिए आप इस तरह से कोई कुशन ले लीजिए, तकिया ले लीजिए या टॉवेल का कोई रोल ले लीजिए और अपने दोनों घुटनों के बीच में इस तरह से रखिए और आपको दोनों घुटने से तकिए को दबाना है। इस तरह से दबाइए, 5 सेकंड तक होल्ड रखिए, फिर छोड़िए, फिर दबाइए, 5 सेकंड तक होल्ड रखिए, फिर छोड़िए। इस एक्सरसाइज को करने से जो हमारी जांघ की बाहर की मांसपेशियां हैं और जो अंदर की मांसपेशियां हैं वो स्ट्रांग होंगी। जब ये स्ट्रांग होंगी तो आप घुटने के दर्द से, घुटने की अर्थराइटिस से, गठिए से बहुत हद तक बच सकते हैं। इस एक्सरसाइज को आप 20 से 25 बार करिए और दिन में 2 बार आप कर सकते हैं। अगर आप घुटने के दर्द से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, गठिए से परेशान हैं, आपके पैरों में कमजोरी महसूस होती है तो जितना ज़्यादा एक्सरसाइज करना ज़रूरी होता है उतना ही आपको प्रिकॉशन लेना, सावधानियां बरतना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सावधानियां कैसे बरतनी है इसके लिए हमने एक वीडियो बना रखी है, आप उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक हम दे देंगे। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर कर लीजिए और आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।